नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। दोस्तों, आपके सबसे बड़े सवाल जो कि मैंने परसों लाइव किया था, तब भी मैंने बोला था कि आपके लिए कुछ न्यूज़ लेके आया हूँ और जल्द ही आपको इसको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन ये ऑथेंटिक हुई तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और नेक्स्ट डे ही ये पेपर में आ गई। मतलब मैं बात करने वाला था आपकी UPSC करवाएगी, NTPC और ग्रुप डी। ये सबसे बड़ा सवाल था जो कि न्यूज़ पेपर में आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आपके लिए कुछ लेके आने वाला हूँ। मैं ये वीडियो उसी दिन भी प्रोवाइड करवा सकता था, लेकिन कई लोगों की एक आदत होती है कि वो उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते या फिर कुछ ना कुछ उल्टा बोलते हैं, तो मुझे लगा 2 दिन आप लोगों को उस चीज़ को एनालिसिस कर लेना चाहिए, उसके बाद में मुझे आना चाहिए। और आपको पता है कि हर चीज़ मैं बाद में लाता हूँ, लेकिन आपका डाउट जब तक हो जाए ना माइंड में और फिर उस डाउट को ख़त्म करने में आता हूँ। तो सबसे बड़ा सवाल क्या सर, UPSC करवाएगी NTPC और ग्रुप डी? तो अगर UPSC करवाएगी तो क्या इसी वजह से एग्जाम डेट लेट हो रही है? क्या इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है कि एग्जाम नहीं हो पा रही है? तो क्या इसी का सिलेक्शन हो चुका है? ये तीनों सवाल कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने तीनों सवाल एक साथ लेकर के आया हूं। आपको अलग अलग वीडियोज में, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग चीजें बताई जा रही है, लेकिन ये तीनों चीजें क्लियर ही नहीं हो पा रही है यार, कि अगर UPSC करवाएगी तो इसी करवाएगा, एग्जाम डेट कब की होगी? क्या मार्च और अप्रैल में या फरवरी मार्च में एग्जाम होगी? कई तो अभी कमेंट करना भी स्टार्ट कर देंगे, तू पागल है क्या? तुझे पता है कि UPSC कौन सी एग्जाम करवाएगी? तुझे पता है कि इसी के सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ? सभी ज्ञानियों से मेरी सनम्र निवेदन है कि एक बार वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब लेकर के आया हूँ। अगर आपको एंड तक लगे कि आपका बिल्कुल भी टाइम खराब हुआ और मैंने आपको कहीं पे भी गुमराह किया है ना, मैं आपको पूरा हक देता हूँ कि आप जो मन में आए ना वो बोलना, लेकिन मेरी पूरी बात सुनना। अगर आप रियलिटी में रेलवे NTPC और ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी पूरी बात सुनिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इस चैनल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आज तक जो बोला है सच्चाई के साथ बोला है। दोस्तों, सबसे बड़ा आपका डाउट कंफर्म कर दूं मैं कि यहाँ पे कि UPSC ही करवाएगी क्या NTPC और ग्रुप डी, मैं उल्टा क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे ये उल्टी नीति चल रही है, इसलिए आपको बता दूं। दोस्तों, UPSC जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग जो कि IAS के एग्जाम करवाती है, तो क्या वो ये छोटी एग्जाम करवाएगी? दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, क्योंकि रेलवे ने IRMS का गठन किया है। IRMS क्या होता है? इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। उसके तहत आपको पता है मैनेजमेंट में सबसे अपर कैटेगरी के पद होते हैं, तो आपको सिर्फ इतना सा इन शॉर्ट में मैं बता दूं, ज़्यादा रामायण गाने की जरूरत नहीं है। UPSC जो सिर्फ ए, जो कैटेगरी ए और बी लेवल की एग्जाम सी कंडक्ट करवाती, जिसमें 4 लेवल जो माने गए वो इंजीनियरिंग लेवल के माने गए, जो टेक्निकल लेवल के माने गए, 1 माना गया जो ट्रैफिक असिस्टेंट वगैरह के, जो यहाँ पे आप इसमें TAs को लेकर भी कभी कन्फ्यूज हो, ये TA को कहीं पे भी TA को कहीं पे भी टच नहीं करेगी, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। UPSC जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगी ना, वो सिर्फ आपके ए लेवल और बी लेवल के कंडक्ट करवाएगी, तो NTPC और ग्रुप डी को ये टच भी नहीं करेगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि इसका लेवल हाई होने वाला है। आपको लोग डरा रहे होंगे, मैंने अलग अलग जगह ये चीजें, कहीं ना कहीं लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग मुझे भी मैसेज कर रहे हैं, तो हमको सबसे बड़ा डर खत्म कर दूं, NTPC और ग्रुप डी कहीं पे भी UPSC कभी नहीं करवाएगा, ना इस जो एग्जाम को, ना ही आगामी आने वाली जो NTPC और ग्रुप डी COD लेवल की जो एग्जाम्स होगी उन्हें UPSC कंडक्ट नहीं करवाएगा। UPSC ओनली ए और बी लेवल की एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि इसे प्रायोरिटी ले सकते हैं जो बड़े अधिकारी लेवल की जो पोस्ट होगी उसमें। जैसे हम UPSC के एग्जाम देते हैं तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको IAS मिलता है, IPS मिलता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये जॉब यहाँ पे आपके लिए नहीं, ये NTPC और ग्रुप डी को कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगी, तो आपका एक डाउट तो खत्म होता है। दूसरे डाउट की बात करता हूँ कि सर, ECA का सिलेक्शन हो चुका है क्या? अगर ECA का सिलेक्शन हो चुका है तो एग्जाम डेट भी आ रही है, और फिर तीसरा सबसे बड़ा सवाल, आपको बड़े बड़े जो गुरुजन हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि उनके पास सूचनाएं कब से आ रही है कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी या रेलवे द्वारा सेंटर्स की बुकिंग चालू हो गई है। मुझे लगता है उनके पास पर्सनली पीयूष गोयल जी का फोन आया है कि आप एक काम करो, अपने कोर्स वगैरह चालू कर दो, हम बुकिंग कर रहे हैं, उन्हें पर्सनली बता दिया है, और हमें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। शायद थोड़ी देर में ये भी बता देंगे कि वो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में है ना, वो एग्ज़ाम डेट भी आपको, मतलब आपके एग्ज़ाम डेट के साथ साथ आपको जो इसका रिजल्ट आने वाला है ना, और शायद जॉइनिंग डेट भी साथ के साथ बता दे। तो मेरी बात सुनिएगा, एक बात बताइएगा, इतना
समझना तो आप, चलिए हम बच्चे हैं छोटे, मैं भी एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन आप अगर समझना चाहो गुरु अगर, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो इसी की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर रेलवे ये सब चीज़ें अभी बुक कर देता तो इसका क्या अचार डालेगा इसी का, इसको यहाँ पे आरती उतारेगा अगरबत्ती लगा करके इसी का सिलेक्शन, चाहे वो TCS हो चाहे कोई सी भी कंपनी हो, तो वहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या अगरबत्ती लगा के दीपक हाथ में लेकर के पूजा थोड़ी करेगा। आप सोच रहे होंगे सर आप इस तरीके से क्यों समझा रहे हो, क्योंकि यार आपको समझ में आता नहीं है आपको कोई भी, क्योंकि वो लोग बड़े होते हैं, छोटे लोगों की बातों पे आप ध्यान नहीं देते हो, आपको बार बार बता देते हैं और उसके बाद में अपने रामायण चालू कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये काम ECA का है, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ही तो ये काम करेगी। एक बात बताइएगा, आपको पहले अगर लड़की नहीं देखी आपके लिए तो डायरेक्ट शादी कर लोगे कि पहले सगाई तो करवाओगे ना यार, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अरे तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट तो जाने दो, मतलब ये जो सारा काम करवाने वाला है लड़कियाँ लड़के के पापा तो ये हैं, इनसे तो मिल लो, अगर ये करेंगे दोनों के दोनों सारा काम होगा तभी तो सब कुछ होगा। ये जो आपकी सेंटर्स बुकिंग का काम करेगी ECA एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, ना कि रेलवे बोर्ड। अगर रेलवे बोर्ड को ये सब कुछ करना है तो ECA का क्या करेगी, फिर तो पेपर बनवा के तो बांटने, फिर तो रेलवे ही बांट लेगा, क्यों इतना झंझट पाल रहा है। इस झंझट में रेलवे के पास और भी बहुत सारे काम होते, इसीलिए तो एजेंसी को प्रोवाइड करवा रहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सेंटर्स है, बड़ी बड़ी जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, यहाँ की जैसे कंपनी कहे जाएंगी, जो पब्लिक सेक्टर को जैसे सरकारी कंपनी है जिसे कह सकता हूँ, जैसे आप बिजली विभाग भी एक प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, तो यहाँ पे जो ये सेक्टर है, जो रेलवे सेक्टर है, वो यहाँ पे इतनी बड़ी एग्जाम कंडक्ट कराने में उनको और भी बड़े काम होते, इसलिए एक एजेंसी का सिलेक्शन करते हैं। ये सारे के सारे जो काम होते हैं ना, हाँ ये जरूर होता है कि वो रेलवे की निगरानी में होंगे, हर एक चीज़ ये सेंटर्स बुक किए गए, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, ये सारी की सारी चीज़ें ECA का काम है, रेलवे को हर एक चीज़ न्यूज़ देगी, रेलवे के अंडर में सारे काम होंगे, लेकिन ये सारे के सारे सेंटर्स बुकिंग का मैंने भी जो रेलवे में कार्यरत है उन अधिकारियों से बात की है, और मेरी कोशिश भी चल रही है कि जल्द ही जो NTPC और ग्रुप डी में सिलेक्ट हो चुके हैं उन जो भी कैंडिडेट हैं उन लोगों से मैं आपकी बात करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अभी जो मेरे साथ वाले हैं वो एक सर है जो पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, वो अभी अहमदाबाद में है, ठीक है, तो जैसे उनको छुट्टी मिलेगी वो यहाँ आएंगी। ग्रुप डी में सिलेक्शन हुए हैं वो अभी दिल्ली में कार्यरत हैं, जैसे उनको छुट्टी मिलेगी मैं आपसे बात करवाऊंगा, फिर आप उस पर ट्रस्ट कीजिएगा, मेरी बातों पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता कि इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, मेरा कोई कोर्स बिकने वाला नहीं, मैं आपको क्यों बताऊंगा, मैं सिर्फ इसलिए बताऊंगा क्यों, क्योंकि आप एक नॉर्मल फैमिली, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके सपने हैं, उन सपनों को कन्फ्यूज होकर के गंवाने की तरफ मत बढ़ो, ठीक है। आपको डरा रहे हैं कि इसका लेवल बहुत हाई होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेवल तब हाई होगा जब पेपर आपके सामने आएगा, ठीक है। हर इंसान का लेवल उस टाइम सेम होता है, हर इंसान के लिए पेपर सेम होता है, हर इंसान के लिए वो टाइम सेम होता है, तो क्यों डर रहे हो, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो। मैं फिर से बोल दूँ, अभी तक ECA का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जब तक ECA का सिलेक्शन नहीं होगा तब तक सेंटर्स की बुकिंग नहीं होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्च में एग्जाम नहीं होगी, अप्रैल में नहीं होगी, ग्रुप डी पहले होगी या NTPC पहले होगी, फिर हमेशा से बोलता हूं NTPC पहले होगी, इस चीज के लिए कभी मना नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन कई लोग ये भी बोल रहे कि दोनों साथ में हो जाए, हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन NTPC के पहले ग्रुप डी तो नहीं हो रही ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी ECA का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी एग्जाम डेट को लेकर के कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है, आप बिल्कुल मत डरिए। मेरी बात कई बार मैसेज आया सर ग्रुप डी कब होगी, NTPC, मैं अभी तैयारी करने लगा हूँ क्या करूँ, आप अभी करने लगे हो ना, अभी भी टाइम है, जब जागो तभी सवेरा है, आराम से तैयारी में लगे रहो, किसी के चक्रों में मत आओ। आपको रीजन बता दिया कि एग्जाम सेंटर बुक हुए हैं या नहीं हुए हैं, थोड़े दिन में हो सकता है एग्जाम सेंटर की आपकी फोटो भी दे दे, ठीक है। जब तक ऑथेंटिक न्यूज ना आ जाए, चाहे मैं बोलूं चाहे कोई भी बोले, आप किसी के चक्रों में मत आइए, आप आराम से किसी भी RRB पे जाकर के चेक करते रहिएगा। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोगों की बहुत बड़े कंफ्यूजन है यार, डेली आपके पास डेली नए वीडियो आते हैं, अगर ऐसे बातें मानोगे लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, आज लिखवा के ले लो। आप सोचते हो ना कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, अगर ऐसे लोगों की बातों में आते रहे ना, सिलेक्ट हो जाओ तो मुझे बता देना। अपने काम पे ध्यान दो, स्टडी करनी है ना स्टडी करो, और अगर ऑथेंटिक चीज़ों पे विश्वास होता है ना, और उमेश शर्मा पे विश्वास होता है ना, तो बोलना यहाँ मैसेज करके कमेंट करके कि हाँ सर आपने सही बोला है, और जो पहली बार आए हैं और उन्हें ऑथेंटिक चीज़ों पे विश्वास और बने रहना है, तो मैं बोलूँगा मेरे साथ बने रहना, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा
कि झूठ के साथ आप रहो, सच्चाई के साथ बोलिए हर एक चीज। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं, यूपीएससी एनटीपीसी ग्रुप डी कंडक्ट नहीं करवाएगी। दूसरी बात, अभी ईसीए का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ईसीए का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सेंटर्स बुकिंग भी नहीं हुई है। अगर सेंटर्स बुकिंग ईसीए का चाहिए, अभी सिलेक्शन हो जाए तो सेंटर बुकिंग करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्च अप्रैल में एग्जाम नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको गुमराह किया जा रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए, वो आप समझदार हो, ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ज्यादा समझना हो तो एनटीपीसी वालों ग्रुप पागल बनना छोड़ दो, ये वीडियो अपलोड कर रखा है वो देख लेना, आपको सारा पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पसंद आई होगी। अगर आप सच्चाई के साथ और खुद का माइंड डाइवर्ट होने से बचा पाए हो तो मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार जरूर मुझे बताएगा कि क्या मैं सच में सफल हो पाया हूँ आपकी हेल्प करने में। ठीक है, मैं बस इतना ही चाहूंगा, यहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अगर मैंने गलत बताया, आपका टाइम खराब किया है तो मुझे गालियां भी निकाल लेना, निकालिएगा यार। मुझे खुशी होगी कि अगर कुछ अच्छा करते हैं तो ये गिफ्ट मिलता है। अभी के लिए इजाजत दीजिए, ऐसे ही सच्चाई के साथ आपका दोस्त आपके साथ हमेशा बने रहेगा, आपका प्यार और स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। इजाजत दीजिएगा, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।